क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। बेटा। हाँ अंकल। क्या यही हमारी संस्कृति है? Oh, no. नहीं अंकल, ये तो बाजू वाले घर की साक्षी है। बहुत बुरा हूँ ना मैं, ऐसा बोलकर उसने मुझसे अपनी 30 मिनट तारीफ करवाई। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। मुझे आज तक किसने नहीं बोला तुम मेरी जिंदगी हो, शायद मैं किसी की मौत हूँ। अरे मार 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 मार, बंदा रहा भाई, मार 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 भाई, मार जल्दी मार, बंदा रहा भाई। भाई तुम क्यों नहीं खेले पबजी? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये बताइए, हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। क्या नाम है? रामदेव बाबा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। अरे कोई समझाओ मेरे घर वालों को कि पूरा दिन फोन चलाना आसान बात नहीं, कोई शूरवीर ही ऐसा कर सकता है। रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, लेमड़ा डे, ठेमड़ा डे, वैलेंटाइन डे, 25,000 डेज है रिलेशनशिप वालों के लिए। सिंगल लोगों के लिए एक डे नहीं है। नहीं ये वीडियो वही लोग लाइक करना जो चाहते कि एक डे सिंगल लोगों के लिए भी होना चाहिए। अब बहुत देर हो गई, आप मुझे हो जाएंगे दंगिया कर देंगे। का बेली वो स्वामी भाई ही शंकी जी ने छोड़े तोप के गोले बैर के। हाँ मेरी जान, क्या हाल है यार? भाई मेरी बात नहीं कराएगा भाभी से? ले यार बिल्कुल कर यार। हेलो भाभी जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? जो मेरे साथ चीट ना करे और जब तक मेरी शादी किसी और से ना हो जाए तब तक वो मेरे साथ लॉयल रहे। म्यूजिक। जानते हैं घर में सब कभी कभी बोलता है कि इतना ध्यान पढ़ाई में दी रहती ना तो जॉब भी लग जाता, कहां से कहां होती। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि सब पढ़ के जॉब ही ले लेगा तो हीरोइन कौन बनेगा, अब मार कौन करवाएगा, अब बिजली कौन गिराएगा। माय डियर बेस्ट फ्रेंड, अगर तुझे कभी मेरी बात का बुरा लगे तो क्या उखाड़ लेगा तू? एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अजी भाई साहब, इधर तेल किधर मिलेगा? वो देखो दुकान दिख रही है सामने। अच्छा वहाँ पे तेरे को तेल मिल जाएगा। ओके। और थोड़ा आगे जाएगा वहाँ पे ओयो भी है। ओयो क्यों? आज वहीं पे जाके मरवाएगा ना तू? अबे बहन के भगोड़े पकोड़े तलने हैं घर पे जाके। इंडियन पेरेंट्स, जितना मिलता है उसमें खुश रहना सीखो। तो भाई ये बात रिजल्ट के वक्त क्यों भूल जाते हो? मुझे लेट रिप्लाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अगर मैं करूँ तो फिर बात अलग है। बहन तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे अगले साल कुत्ता नहीं बोलेगी। ठीक है नहीं बोलूंगी। एक बार चेक तो करूँ। बहन मैंने ना तेरे पर्स में से 10 रुपए उठाए थे। अच्छा कुत्ता है तू कुत्ता। क्या फायदा है ऐसे टेक्नोलॉजी का जहाँ हम किसी को ऑनलाइन थप्पड़ नहीं मार सकते। बहन तेरी तो सारी फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल है ना? हाँ वो मेरी सारी बात मानती है। पता क्या हुआ भाई? रो के रहा है, पता क्या हुआ? सेटिंग करा दे उनसे। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे ड्रीम 11 आईपीएल के बारे में बताया और आज मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। अली भाई केला खाने से क्या फायदा है? केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और लेने से। हेलो एग्जाम्स में लड़कियां सोचती हैं कि प्रश्न आउट ऑफ द सिलेबस ना आ जाए और लड़के सोचते हैं रोल नंबर पहले बेंच पे ना आ जाए। आपके पति कैसे मरे? जहर खा के मर गए। लेकिन उनके शरीर पर तो चोट के निशान थे। जहर खाने से मना कर रहे थे। तो कैसी पत्नी है? बहन चाय बना दे। नहीं पिछले महीने की 9 तारीख को संडे के दिन 3:56 पर तूने मुझे पानी देने से मना किया था। ओए होए नया फूल लिया ना तूने? हाँ। कैमरा दिखा। ये देख भगवान।
हारे तुम। मुझे मैथ वाले सर से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है सर, ये लैम्डा थैम्डा पायर्स क्या साइन थीटा उसका बेटा सर कहाँ इस्तेमाल करूँ इन्हें अपनी जिंदगी में। सर कभी कभी तो लगता है मैं इस गोले का ही ना हूँ, मैं किसी बाहर मंगल ग्रह से आया हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और भोसड़ी वालों वो माँ होती है, बीवी नहीं। माय वाइफ इज माय लाइफ। अबे यार वो मुख्तियार का लोंडा खत्म हो गया यार, सिगरेट पी रहा कैंसर हो गया साले को। अबे यार ये सिगरेट पीने से यार कैंसर हो जाते हैं, नहीं पीनी चाहिए यार सिगरेट। बहुत गलत बात है यार सिगरेट पीना, पता नहीं लोग क्यों पीते हैं यार, हम भी छोड़ेंगे यार कल परसों से। देखो लाओ यार कश लगवाओ यार पार्टी। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर हम लड़कियाँ माँ बाप के घर में मेहमान है तो मेहमान से इतना काम करवाता कौन है बे। हमने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, फिर तीसरे वाले बच्चे के नाम को लेकर हम में लड़ाई हो गई, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। हर हिलती हुई झाड़ी के पीछे भूत नहीं होता, हो सकता है कोई अपनी 4 साल की मोहब्बत को अंजाम दे रहा हो। आज तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया है। हाय फ्रेंड, कैसी हो? एकदम मस्त। वो कौन है रे? ये तो मेरे हस्बैंड है। हाय। तुम भी कुछ बोलो ना। आई लव यू। तुझे पता है क्या औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। अच्छा बताओ गूगल पे या फोन पे? बेट पे। यारों भाई दुनिया में चूतिये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो वो जो हम दूसरों को समझते हैं और एक वो जो दूसरे हमको समझते हैं। ये शादी में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती है और आदमी लोग एक दूसरे की औरत देख के जलते हैं। साला सबको जलना ही है तो वो मंडप में बीच में ऐसा सड़क है उसके ऊपर जाके बैठ जाओ। ओए होए आई लव यू। अबे मेरे जूते का साइज पता है? लो देखो मेरे भाई ने प्रपोज मारा नहीं कि मैडम की डिमांड भी चालू हो गई। वो देख रहा मांग भी कर रही है जूते। आमिर भाई यार सिगरेट मंगा लो आज। ना यार भैया मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ यार, तुम ले आओ अपने पैसों से। चलो भाई हम अपने पैसों से ले आएंगे। हाँ दो ले आइयो। क्यों भाई तुम तो पीते ही ना हो? ना पीता नहीं हूँ लेकिन ले लेके रख लेता हूँ अपने सभी दोस्तों से। 9 इकट्ठी हो गई अब तुम दोगे 10 हो जाएंगी, दुकानदार को बेचूंगा। अपना फास्ट कारोबार चल रहा है भाई ऐसी अल्लाह के शुक्र से। तो हमारे पैसों से कारोबार खोल रखा। हाँ, कार जो निकाली वो ऐसी तो निकाली। अब भाई वो देख सूरज। अबे भाई चांद है वो। अरे नहीं भाई वो सूरज है। ओए इधर सुन, वो चांद देखे सूरज। अरे भैया मेरे को क्या पता, मैं इस शहर में नया आया हूँ। आपको ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ओह नो, मुझे शौक भी नहीं है हर जगह तुम्हारे साथ जाने का। वे आमिर ये ले 10 का नोट, 7 रुपए की सीट मिलेगी कैप्टन की, जल्दी से लेके आओ। एक रैप्टा इतना भर के मारूंगा चावल की तरह यहीं बिखर जाएगा, तेरे बाप का नौकर हूँ, खुद लेके आ। हाँ बचे हुए 3 रुपए तू रख लिए ले। आया भाई साहब 2 मिनट में मैं अभी। गाड़ी बहन चो गरीब है साले, दूसरा उसके पीछे मैं जाता हूँ, मैं भी लूंगा चलेंगे। म्यूजिक लड़का समझदार होना चाहिए, पागल तो उसकी बंदी उसको खुद कर देगी। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। भाई तूने इसको जाने क्यों दिया? भाई मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जरूरत होती तो ओयो में होती। सोनी मेरी कहीं जॉब लगवा दूँ यार। अभिषेक एक जॉब तो है, स्टार्टिंग 15,000 है फिर बाद में 20,000 हो जाएगी। चलो फिर मैं बाद में आऊंगा। हेडशॉट।
अभिषेक मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। यार मैंने तो बस किस की थी। तो मैंने कब बोला बाप तुम हो। क्या आप दोनों शोर हो, आपको डिवोर्स लेना है? हाँ। लेकिन आपके 3 बच्चे हैं, उनको आपस में कैसे बांटोगे? ठीक है तो नेक्स्ट ईयर हम एक और बच्चा करके आते हैं। मैं को ना तुझसे प्यार हो गया। ओ औकात देखिए तेरी, तेरी सैलरी में तो मेरे टॉयलेट पेपर भी नहीं आएंगे। जी इतना आकती हो फिर रहने दो। तो इस वाले में अपने दोस्तों को टैग करो कि हंसते रहोगे जीवन भर, दिल से दिल मिलाते रहोगे, हंसते रहोगे जीवन भर, दिल से दिल मिलाते रहोगे, और सालों तुमसे सेटिंग ना होगी, तुम जीवन भर ही। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हे भगवान। भंडारा कहाँ पर है? भाइयों एक बात बोलूं। हाँ जी भैया। काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। भाई। हाँ? तुझे पता है पानी क्यों पीते? क्यों? क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। भाई कभी मैसेज देखकर आंखों में आंसू आए? आंसू तो बहुत दूर की बात है, पहले मैसेज ही आ जाए। यार अगर लोगों की लाइफ में हमारे लिए जगह नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? धक्का मुक्की करके बना लेनी चाहिए, इसमें क्या इतना सीरियस होना। ये लो भाई मेरा शादी का कार्ड, और शादी में जरूर आना। अरे सुनो भाई, आपके शादी में मेरे पूरे परिवार को लेके आ सकता हूँ क्या? अरे तेरा बाप ना होटल खोल रखे है। और भाई साहब कितने हुए? 200 रुपए। ये लो। अरे भैया क्या देख रहे हो, जल्दी करो, आपके देखने से गांधी जी सनी लियोनी नहीं बन जाएंगे। टैग करो उस दोस्त को जो पार्टी मांगता है कि चल रही है गरीबी जिंदगी है झंड, चल रही है गरीबी जिंदगी है झंड, और तुम्हें पार्टी चाहिए आओ खा लो मेरा। अरे क्या हाल अग्रवाल जी। और शर्मा जी कैसे हो? अरे बच्चा तो बड़ा क्यूट है, कुछ बोलता है कि नहीं? बेटा अंकल को कविता सुनाओ। समोसा गया तेल में, अंकल गए जेल में, जेल में आया भूत, अंकल तुम्हारी माँ की। जिनके पास है बंदी, 14 फेब तो वो मनाएंगे, और हम जैसे सिंगल तो उस दिन भी हाथ। हाय। मैं नहीं पटूंगी। शकल तो ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है मेरी कि किसी को क्रश तो गया तरस भी ना आता। वेंकैया का बेटा हूँ, सेटिंग करे ही क्या? बॉयफ्रेंड। तुम लड़के की यही दिक्कत है, एक बार लड़का क्या बटा लिया, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हम लड़के को देखो 4-5 लड़के बटा ले, मजा आ ले, मुंह से निकल जाए। दिस टाइम इज अ वेरी हॉट प्लेस। चेस चेस। मेरी जॉन क्या इंग्लिश बोल लिया? क्या हो गया? देख रहे इंग्लिश कितनी खतरनाक बोल लिया, तू बात करी इससे? हे व्हाट व्हाट, हे बेबी व्हाट इज योर नेम? आई लिव इन पगबड़ा। बचपन की सबसे खतरनाक अफवाह, पेंसिल के छिलके को दूध में मिलाने से रबर बनता है, किस किस को याद है? आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी तारीफ करेंगे क्या? मुझे शर्माए बहुत दिन हो गए। 14 फरवरी भी आने वाला है, अगर किसी को मुझसे प्यार है तो बोल दो। यार तूने मेरा मैसेज छीन करके भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया। सॉरी यार गलती से सीन हो गया। दोस्तों एक और हंसी वाली बात बताऊं, इसकी दाढ़ी नहीं आई। यार कल ने मैंने वीडियो बनाई थी। आई नो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, उस पर लाइक्स ही नहीं आए। आई नो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई नो तुझे पता है मैं तेरे थप्पड़ मारने वाला। I know.
यू नो गोरी तोरी चुनरी बाल लाल लाल रे, रोड पे चले लू का माल चाल रे। हेलो 14 फरवरी नू किसे दा कमरा खाली मिल सकता है? मैं कल्ले ने बह के रोना। कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, मैं बोला चैटिंग करेगी क्या मेरे साथ, वो बोली सो जा भाई मैं लड़का हूँ। सब लोग रिलेशनशिप में तो मैं भी हूँ। किसके साथ? 1.5 GB डेटा के। सिंगल पसंद है। सुनो हाँ, तुमको मेरी सबसे ज्यादा याद कब आती है? जब मम्मी बोलती है आने दे तेरी बीवी को, घर का सारा काम उसी से कराऊंगी। मैं और मेरे दोस्त कभी वकील नहीं बन सकते क्योंकि हमसे बिना गाली के बहस ही नहीं होती। चाचा ये सनी लियोन है ना, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, यार ये करती क्या होगी? बेटा उसके पास छोटा सा होलसेल का बिजनेस है। जब देखा हूँ करते रहता तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से हूँ, वरना मैं जिंदगी में बहुत आगे जा सकती थी, बहुत। हर एक फ्रेंड। मैंने कल अपने घर पे बोल दिया रात में ठंड लगती है, तो घर वालों ने कंबल दिला दिया। कंबल की जरूरत नहीं थी यार। अरे भाई सुन। क्या? तुझे पता है क्या? तुझे तो अनाथ आश्रम से उठा के लेके आए थे। मम्मी देखो ना, कुछ ही बोलते रहते, भेजते करते रहते, सुनाओ इनको यार, मैं कुछ नहीं जान रहा। चुप रे, कुछ ही बोलती रहती है। कचरे के ढेर में से लेके आए मेरे बेटे को तुम। जब एक अकेला टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो ये लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट सारे के सारे सब्जेक्ट याद कर ले? ये एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के रिप्लाई करने वाले लोग है ना, उनको बोलता हूँ मोबाइल रहने दो, कबूतर ले लो कबूतर। देखो दोस्तों, ये जो आ रहे हैं ना वैलेंटाइन डे, रोज डे, हग डे, किस डे, फलाना डे, डिमका डे, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो बस कपड़े दे, रजाई दे, खाना दे, सोने दे, जीने दे, बस यही है, सब मोह माया। बायो में शेरनी लिखती थी, कल कुत्ते पीछे पड़ गए उसके। अच्छा तुम गर्ल हो ना? हाँ। और तुम मेरी फ्रेंड भी हो? हाँ। तो गर्ल और फ्रेंड मिला के क्या हुआ? बहन। ये गाना और मेरा दिल जिस दिल पे सीधा है, शादीशुदा है, दो बच्चों की माँ है। और भाई गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जा रहा है वैलेंटाइन डे पे? यार चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड है, समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाऊँ। भाई मजाक मत कर यार, चालू किसने किया था? यार अगर वैलेंटाइन डे के दिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? गांधी जयंती के दिन भी तो गांधी जी नहीं होते, फिर भी मनाते हैं ना, तो मनाओ फिर, मौज लो, दिक्कत ले रहे हो फालतू में। खुशी की मम्मी ने खुशी के पापा से कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई गुनाह थोड़ी है इश्क जो मैं छुपाऊंगा, मैंने चाहा है तुझे, ये बात मैं तेरे पति को बताऊंगा। आज ना मैं मंदिर गई थी मन्नत मांगने के लिए, लेकिन बिना मांगे वापस आ गई। ऐसा क्यों? अरे मैं ये मांगने गई थी कि आपकी जितनी भी दुख तकलीफें हैं ना वो सब खत्म हो जाएं। यार तो मांगी क्यों नहीं? यार मुझे डर लग रहा था, दुख तकलीफ तो मैं ही हूँ, कहीं मैं ही ना निपट लूं। तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, एक बार मुझे 2000 रुपए उधार तो दे के देखो। बेबी हाँ? फेसबुक का पासवर्ड बताना। ब्रेकअप। थैंक गॉड। बेबी मैं आपसे कब से कहना चाहती थी लेकिन कभी कह ही नहीं पा रही थी, आपने आज ये बोलकर ना मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच बेबी, मेरी तरफ से भी ब्रेकअप, थैंक यू। फेसबुक का पासवर्ड है ब्रेकअप। छोड़ो यार बेबी, आई एम सॉरी।
भाई अपनी जीत छोड़ो और घर पे चलो, पापा तू गुस्सा करते रहते। तुझे कितने दिन से मना कर रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, फिर भी तू क्यों आती है मुझे बुलाने? भाई सुन के बड़ा मजा आता है। 14 फरवरी को लॉकडाउन चाहिए, हम सिंगल्स की मांगे पूरी करो, सिंगल्स की मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई पूरी करो। तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। सुना है जिंदगी में एक हरामी दोस्त होना चाहिए, पर भगवान ने तो पूरी फौज ही दे डाली। इतने हरामी भरे क्या बताऊं, ऐसे ये बात सही ना लगी। कैसे बच्चों को फोन और चूतियों को दिल दोगे तो वो गेम ही खेलेंगे। मोरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मोरी गर्लफ्रेंड सेटिंग ले पाने पे मोरी को फीलिंग कोल बट्टा कोल कमरू ब्रो। क्या हुआ? ब्रेकअप। ओ उसका लास्ट मैसेज क्या था? भाई मैं भी लड़का हूँ। ओ बेटे ये तूने बिगाड़ा है मेरे को, गाली देना तूने सिखाया है मेरे को। हाँ तो कभी घमंड किया मैंने? इस वीडियो को सिर्फ वही लोग लाइक करना जो इंसान नहीं है नॉर्मल, जो कि लेजेंड है, जिनको एग्जाम पे एग्जाम की टेंशन कम होती है और ये टेंशन ज्यादा होती है कि एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं हो रही। और भाई साहब वो लोग पास भी हो जाते, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? आजा। हाय राजा, मिल मेरी फ्रेंड रीचा से। रीचा ये मेरा फ्रेंड चाहत। चाहत और कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड है? एक मेरा फ्रेंड है डाकिया जो डाक लेकर आता है, एक मेरा फ्रेंड है चूतिया जो आज आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं खुद की प्रॉब्लम्स खुद ही लाती हूँ। मैंने दुआ मांगी थी कि हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाए, अब डर लग रहा है कहीं मैं ही ना टपक जाऊँ। अगर आपको कर्म करके कुछ हासिल नहीं हो रहा तो एक बार कांड करके देखो। भाई बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोल। तेरी शक्ल ना कुत्ते जैसी है। अच्छा तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? नहीं भाई मैं तो बुरा मान जाती हूँ। खुद की लाइफ झंड है पर दूसरों को मोटिवेट अच्छा कर लेती हूँ। सब लोग रिलेशनशिप में। तो मैं भी हूँ। किसके साथ? 1.5 GB डेटा के। अच्छा इतने दिन हो गए, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक शायरी तो बोल दे। तेरी सुंदरता सबको भाती है, तेरी सुंदरता सबको भाती है, सच्चाई तो मुझे पता है तो 10-10 दिन तक नहीं नहाती है। खुशी आई लव यू। सॉरी यार चाहत, मैं तुझे अपना दिल नहीं दे सकते। वैसे मैं उतने ऊपर की सोच भी नहीं रहा हूँ। खुशी आज मौसम कितना सही हो रहा है ना? नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। हर कुत्ते का दिन आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। चाहत। हाँ। चमनप्राश खाने से ना चुस्ती रहती है। कौन चुस्ती रहती है? भाई सुना है तू बहुत बड़ा जादूगर है? हाँ। ऐसा क्या जादू करता है यार? शक करती है मेरी जादूगरी पे, तेरी मार भी लूंगा और तुझे पता भी ना चलेगा। तो ऐसा बोलना छोटा है तेरा। अरे चाहत दुबई से कब आया? बस भाई आज ही आया यार। तो एक बात बता। हाँ? तेरी वाइफ रात को कबूतरों को दाना डालती क्या? नहीं भाई। क्यों? रात को बहुत आवाज आती है। आ की एक्सक्यूज मी। यस। तुम बॉम्बे से हो क्या? क्यों बड़ी बॉम्ब लग रही हो? तब तो फिर तुम पक्का लंदन से होगे। खुशी तुम कितनी ज्यादा नल्ली हो? बहुत ज्यादा नल्ली हो यार। इसका मतलब तुम बिग बॉस देखती हो? नल्ली हो चूतिया नहीं। और राजा और चाहत इतना लंबा हो गया क्या यार? रिचा अब तू ये भी बताने लग गई।